हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फिर आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है असिस्टेंट मैनेजर प्रोबेशनर एंड वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पे और भी पोस्ट है जो कि आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा ऑल ओवर इंडिया और इसका नंबर ऑफ वैकेंसी है 47। तो अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, इंजीनियर डिप्लोमा डिग्री, सीए, आईसीएआई, सीएस, ये सब डिग्री आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो एज लिमिट की बात करें तो अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 20 to 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जॉब के जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए वो डिफरेंट होगा। सैलरी रहेगा 25,000 से शुरू होगा, 40,000 तक ये रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा जो कि CBT बोलते हैं इसको, और आपको अगर इसमें पास हो जाएंगे उसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन डेट जो कि शुरू हो गया है 17 अगस्त 2018 से, और क्लोजिंग डेट है इसका जो 9 अगस्त 2018, लास्ट डेट है 9 सितंबर 2018। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि है ऑनलाइन मोड। तो फ्रेंड्स, इसका जो एप्लीकेशन के ऑनलाइन लिंक है आप जिसके से थ्रू आप अप्लाई कर सकते, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो कि लिंक नोटिफिकेशन के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि है जनरल OBC वालों के लिए 300 रुपीज़, एज वेल एज SC ST के लिए भी और सेम है 300 रुपीज़। ऑल ओवर इंडिया से जो लोग चाहते इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिसेंटली पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।